टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू फ्रेंड्स, टुडे वी सी चैप्टर 6 ऑफ 7th क्लास हिंदी, जानकारियां बड़ी अपदाएं घटी। वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर। जानकारियां बड़ी अपदाएं घटी के बारे में जानेंगे। इस पाठ में रचनाकार ने प्रकृति द्वारा उत्पन्न की जाने वाली इस पाठ की इसने रचना की है। उसने बताया है कि प्रकृति द्वारा उत्पन्न की जाने वाली आपदाओं का वर्णन किया है। लेखक ने बताया है कि प्राकृतिक आपदाएं जैसी बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात, ज्वालामुखी का फटना आदि को रोकना इंसानों के बस में नहीं है। परंतु यह समझाते हुए कहा है कि बहुत सी आपदाएं जैसे बाढ़ का आना, वनों की कटाई, बादल का फटना, भारी वर्षा होना, भूकंप आना, नदियों की पहन क्षमता कम होना, पानी की प्रवाह आदि सभी कारण प्रकृति और मनुष्य से ही जुड़े हैं। जिन्हें कुछ उपायों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगर हम इसमें कुछ उपाय करें तो हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में कवि ने यही बताया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर 2 कॉलम्स गिवन है, क एंड ख, दोनों कॉलम्स को मैच करना है। फर्स्ट में क्या दिया गया है, ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी का करेक्ट आंसर आ जाएगा धरती से गर्म लावा निकलता है। इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं भूकंप का करेक्ट आंसर आ जाएगा भूमि का कंपन, ठीक है। भूमि में कंपन होती है तो उसको बोलते हैं भूकंप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बाढ़ का करेक्ट आंसर आएगा अनियंत्रित जल प्रवाह। जल का नियंत्रित ना होना उसको बोलते हैं अनियंत्रित जल प्रवाह। तो बाढ़ का करेक्ट आंसर आएगा अनियंत्रित जल प्रवाह। नेक्स्ट देखते हैं चक्रवात का करेक्ट आंसर आएगा तेज घुमावदार हवाएं। जैसे कि घुमावदार हवाएं आती है उसको बोलते हैं चक्रवात। चक्रवात का करेक्ट आंसर आ जाएगा तेज घुमावदार हवाएं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जो वर्ड हमें ब्रैकेट में गिवन है उन्हें हमें ब्लैंक जगह पर फिल करना है, ठीक है। फर्स्ट में क्या दिया गया है, बाढ़ भारत के डेढ़ क्षेत्र में अधिक आती है। भारत के कौन से क्षेत्र में बाढ़ सबसे अधिक आती है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा पूर्वी। इसको कैसे पढ़ेंगे, बाढ़ भारत के पूर्वी क्षेत्रों में अधिक आती है, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं बाढ़ का संबंध डैश डैश से है, किससे है बाढ़ का संबंध, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा वर्षा से बाढ़ का संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं अकाल राहत का कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है, किसके अंतर्गत किया जाता है, सूखा राहत के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चक्रवात का डैश डैश से होता है, चक्रवात का डैश डैश से क्या होता है, तो करेक्ट आंसर आएगा जलवायु। इसको कैसे पढ़ेंगे, चक्रवात का जलवायु से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अति लघुतरी प्रश्न, हमें यहाँ पर कुछ अति लघुतरी प्रश्न गिवन है वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, राकेश कहाँ जाने की तैयारी कर रहा था। इसका आंसर आ जाएगा राकेश नदी के किनारे पिकनिक पर जाने की तैयारी कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अचानक बाढ़ क्यों आ जाती है। आंसर देखते हैं वर्षा ऋतु में कई बार अचानक बाढ़ आ जाती है। वर्षा ऋतु जब होती है ना तो कई बार अचानक बाढ़ आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 5 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। हमें यहाँ 5 प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताना है, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी, भूकंप,
बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात, पांच प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है, क्या क्या है? बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात, ये पांच प्राकृतिक आपदाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत किन किन रूप में पहुंचाई जाती है? इसका आंसर देख लेते हैं। सूखाग्रस्त क्षेत्र में राहत रोजगार और खाद्यान्न के रूप में पहुंचाई जाती है। किस किस के रूप में पहुंचाते हैं? रोजगार और खाद्यान्न के रूप में पहुंचाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाढ़ के लिए कौन जिम्मेदार है? हमें यहाँ बताना है कि बाढ़ के लिए कौन जिम्मेदार है। आंसर आ जाए इसका, बाढ़ के लिए प्रकृति और मनुष्य के क्रियाकलाप जिम्मेदार है। ठीक है, प्रकृति और मनुष्य के क्रियाकलाप जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लघु उत्तरी प्रश्न, अब हम इसका लघु उत्तरी प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? प्राकृतिक आपदाओं से क्या अभिप्राय है? इसका आंसर आ जाएगा, प्राकृतिक आपदाओं का अर्थ प्रकृति में अचानक होने वाले, प्रकृति में अचानक होने वाली निराशकारी घटना से है। ठीक है, अचानक होने वाले निराशकारी घटना से है जिससे जनधन की व्यापक हानि होती है, जनधन की व्यापक हानि होती है तथा संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। हमें यहाँ संकट की स्थिति उत्पन्न होने को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूखा पड़ने के कोई तीन कारण लिखे, हमें यहाँ तीन कारण बताने हैं सूखा पड़ने के। ठीक है, इसका आंसर आएगा, सूखा पड़ने के निम्न कारण है, निम्नलिखित कारण दिए गए हैं। फर्स्ट में दिया गया है, प्रत्यक्ष के रूप से भौगोलिक क्षेत्र की जलवायु की दिशाओं से इसका संबंध है। किसे संबंध है? प्रत्यक्ष के रूप से भौगोलिक क्षेत्र की जलवायु की दिशाओं से इसका सीधा संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य ने तेज औद्योगिक विकास के चलते वनों को नष्ट कर मानसून की अनुकूल दशाओं को प्रभावित किया है। मनुष्य ने क्या किया है? वनों को नष्ट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भूजल का अंधाधुंध प्रयोग भी सूखे का कारण है। जो भूजल होता है उसका अंधाधुंध प्रयोग भी सूखे का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूखे को प्राकृतिक आपदा क्यों कहा है? जो सूखा है उसे प्राकृतिक आपदा क्यों कहा है? इसका आंसर देख लेते हैं, सूखे को प्राकृतिक आपदा इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका सीधा संबंध वर्षा से है। इसका सीधा संबंध वर्षा सा है और वर्षा एक प्राकृतिक क्रिया है। मनुष्य वर्षा से है और वर्षा एक प्राकृतिक क्रिया है। मनुष्य केवल अनुमान लगा सकता है। मनुष्य क्या कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगा सकता है कि वर्षा कब आ सकती है, वर्षा कब आ सकती है, मनुष्य सिर्फ अनुमान लगा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाढ़ नियंत्रण के लिए सरकार क्या व्यवस्था करती है? इसका आंसर देख लेते हैं, सरकार बाढ़ नियंत्रण के कई उपाय कर सकती है, कई उपाय कर सकती है सरकार, जैसे जल के बहाव में कमी करने के लिए, वन लगवाना जल प्रवाह मार्ग में नहीं, नहरी तंत्र का विकास करना, नदियों के किनारों पर कटलटबंध तथा बांधों का निर्माण करवाना आदि। ठीक है,